Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel Shehbaz Hussain Entertainment. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक से है, चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। मतलब जब एक पेंडुलम डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से मूव करता है, तो उस पर कौन कौन से जो फोर्सेज एक्ट करते हैं वो हम जो है आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। चलें थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि टू एंड फ्रो या ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। उसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मीन पोजिशन से आप जितना उसको दूर लेके जाएंगे उसकी एक्सीलरेशन उतनी ज्यादा होगी। जैसे एक मिसाल देता हूं, ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, ये इसकी मीन पोजीशन है, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। जब इसको आप डिस्प्लेस करेंगे, यहां पे लेके आएंगे और यहां से आप इसको छोड़ेंगे, तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ये टू एंड फ्रो जो है बॉल मूव कर रही है। तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जो कि टू एंड फ्रो अबाउट इस मीन पोजिशन मूव करे उसे हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। चले फिगर के थ्रू भी समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है जिसमें एक जो है तार या एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉडी जो है हैंग की हुई है, ठीक है। ये एक बॉल है, ऐसे समझ लें कि बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इस स्ट्रिंग के थ्रू, ये तार के थ्रू या किसी धागे के थ्रू एक सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये इस पोजिशन को हम बोलते हैं एक इक्विलिब्रियम पोजिशन या मीन पोजिशन। इसको आप जब इधर लेके आएंगे, इसको आप जब अपनी पोजीशन से मूव करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे, यहां पे लेके आएंगे, तो इस पोजीशन को, इसको या इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब जब आप इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखें, ये जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये स्ट्रिंग के थ्रू या किसी भी एक तार के थ्रू या किसी रस्सी के थ्रू, रस्सी की वजह से ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं टेंशन, और नीचे ऑब्वियसली आपको पता है जो फोर्स लगता है ग्रेविटी के थ्रू उसे हम बोलते हैं वेट। अच्छा, यहां पे वेट देखें, वेट भी दो डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आपने 9 क्लास में जरूर पढ़ा होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब एक टॉपिक है, जब जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन, उसका अफेक्ट जो होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, तो उसको क्या करते हैं हम तोड़ते हैं दो हिस्सों में, एक हिस्सा होता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट, एक हिस्सा होता है हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट। तो यहां पे ये देखें, ये जो है इसका ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे हम mg टाइप cos ऑफ एंगल से डिनोट करते हैं। mg का मतलब है वेट, वेट का फार्मूला है mg, और ये वाला जो जो है mg sin ऑफ एंगल, ये उसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। mg तो आपको पता है वो वेट का फार्मूला है, और sin एंगल वर्टिकल कंपोनेंट को डिनोट करती है। तो यहां पे इस पेंडुलम के, इस ऑब्जेक्ट के, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, पोटेंशियल लग रहा है, वेट लग रहे हैं, वेट लग रहा है, और वेट के भी दो अलग अलग कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फोर्सेस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल फिर से एक बॉल के थ्रू दे रहा हूं, ये देखें, ऐसे समझे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इसका एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है मेरे हाथ में, ये एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधा हुआ है बॉल। इसको जब मैं इस पोजिशन को हम बोलते हैं मीन पोजिशन, जब इसको इधर लेके आता हूं तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब यहां से मैं छोड़ूंगा इसको ऐसे, तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जो है सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। जब इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं तो इस डायरेक्शन पे, इस पे, इस पोजीशन पे, इस पे कितने कितने या कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें जो फोर्स लग रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। अब ये दोनों फोर्स, एक टेंशन है और उसके अपोजिट में देख रहे हैं आप कौन सा फोर्स लग रहा है, mg cos ऑफ एंगल, ठीक है। टेंशन ऊपर और उसके बिल्कुल नीचे mg cos ऑफ एंगल जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट। तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस का मतलब ये होता है जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं, उसका जो नेट इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब ये जो टेंशन है टी जो फोर्स है, टी मतलब टेंशन जो है वो बराबर हो जाता है mg cos ऑफ एंगल के, मतलब इन दोनों का अफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है ये ऐसे। बाकी क्या बचा, नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स का मतलब है फाइनल फोर्स जो उसको मूव करा रही है टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो सिंपल पेंडुलम को, ऑब्जेक्ट को जो है मूव करा रही है, वो फोर्स कौन सा है,
वो फोर्स एक ही है जो कि एम जी साइन ऑफ एंगल, मतलब वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेट, मतलब ये वाहिद फोर्स है, ये एक ही फोर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे, आगे पीछे मूव करे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल पेंडुलम, वो किस वजह से कर रहा है, वो एक ही फोर्स है जो कि एम जी साइन ऑफ एंगल है, मतलब ये नेट फोर्स है, फाइनल फोर्स है जो कि लग रहा है। तो ये एस एन एफ एन का मतलब है नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या लग रहा है, एम जी साइन ऑफ एंगल, मतलब ये वाहिद फोर्स है, ये फाइनल फोर्स है जिसकी वजह से ये टोटल जो मोशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स का मतलब है फाइनल फोर्स जो कि फाइनली लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो है एम जी साइन ऑफ एंगल, ये है वर्टिकल कॉम्पोनेंट। अब कुछ सवाल थे इस सिंपल पेंडुलम के हवाले से। ये पहला सवाल है वाई द मास एक्सीलरेट्स टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जहां कहीं भी आप लेके आते हैं, यहां पे या यहां पे, भले यहां पे देखें ये ऑब्जेक्ट जो है, अब मैं इसको यहां पे लेके आऊं फिर भी अपनी मीन पोजिशन की तरफ पे आएगा, यहां पे लेके जाऊं फिर भी अपनी जो है वो मीन पोजिशन की तरफ आएगा, ये क्यों हो रहा है, मतलब इसकी एक्सीलरेशन हमेशा अपनी मीन पोजिशन की तरफ क्यों है। तो ये सवाल वही पूछ रहा है। तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि यहां पे एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी आप लेके जाएं वो अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपनी पोजीशन जो है मीन पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इसका एक और मिसाल देता हूं आपको, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप जब खींचते हैं, जब आप खींचेंगे तो वो अपनी पोजीशन की तरफ ही मूव करेगा, भले आप उसको कंप्रेस करें या आप उसको एक्सटेंड करें, वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगा। तो वो फोर्स जो अपनी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रोवाइड रीस्टोरिंग फोर्स, जो है रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगता है। तो मैंने आपको बता दिया फाइनल फोर्स जो है वो कौन सा लगता है, ये वाला एम जी साइन ऑफ एंगल, तो इसकी वजह से जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से बॉडी जो है अपनी मीन पोजिशन की तरफ मूव करती है। तो इसका क्या होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एम जी साइन ऑफ एंगल या वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है उसकी वजह से जो है बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, फाइनल सवाल है, आखिरी सवाल है हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस टाइम पीरियड, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे मालूम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता क्या है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन खत्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे ये जब मैं इसको छोड़ता हूं, ये इधर आके वापस आता है, तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो इसकी एक वाइब्रेशन खत्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा है या ये कितना टाइम ले रहा है कि अपनी एक वाइब्रेशन खत्म करे, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मैं यहां से इसको छोड़ूं, जब छोड़ूंगा तो ये यहां जाके वापस आएगा, तो ये एक वाइब्रेशन खत्म हुई, तो इस एक वाइब्रेशन के लिए ये कितना टाइम ले रहा है, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे हम जो है वो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला जो है वो है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला बन गया टू पाई मतलब कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है, पाई का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है 3.14, एल का मतलब है उसकी लेंथ कितनी है, ये वाली ये लेंथ कितनी है, ठीक है। अच्छा, और ग्रेविटी कितनी है, मतलब ग्रेविटी का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से टाइम पीरियड हम मालूम कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का। अच्छा, एक चीज मैं आपको जो है वो बताना भूल गया सिंपल पेंडुलम की जो हवाले से, ये जो एंगल होती है ये एंगल बहुत ही कम रखनी पड़ती है हमें, मतलब आपको जो डिस्प्ले करना पड़ता है इतना ही अपनी मर्जी से आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये एंगल कोशिश करें कि
ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री तक रखें, क्योंकि जब आप 10 डिग्री से ज्यादा एंगल देते हैं उसको तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए तो आपको जो एंगल रखनी पड़ेगी वो मैक्सिमम 10 डिग्री रखनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस टाइम पीरियड के हवाले से न्यूमेरिकल्स कराएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी जो है वो इस लेक्चर के रिलेटेड आपकी रह गई है या अनआंसर्ड रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। विल मीट यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।